गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4A। क्वेश्चन इज रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म मींस कि आपने क्वेश्चन में जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी कटिंग करनी है, और ऐसे कटिंग करनी है कि आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 इज 120x² y³ z5 / 30x³ y² z2। आपने 30 और 120 की कटिंग करनी है, 30 4s are 120। उसके बाद आपने जितने x है उनकी कटिंग करनी है, y's की और z's की। तो द आंसर इज 4y² z³ / x। क्वेश्चन नंबर 2, 8a (x+1)/2(x²-1)। इसके डिनोमिनेटर में आपने फार्मूला अप्लाई करना है a² - b² का, विच इज़ a + b (a-b)। तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी x+1 (x-1)। उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से आपने इसकी कटिंग करनी है, x+1 विल बी कट। द आंसर इज 4a/x-1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3x+y² - 4xy/x-y² इसके न्यूमरेटर में आपने x+y² का फार्मूला ओपन करना है, और डिनोमिनेटर में x-y² का फार्मूला ओपन करना है। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी कट एंड द आंसर इज 1। नेक्स्ट पार्ट 4, x³ - y³ (x²-2xy+y²) / x²+xy+y² इसके डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है x³ - y³ का, उसका फार्मूला कंप्लीट करें। x³ - y³ का फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगा, द आंसर विल बी x²-2xy+y². पार्ट 5, x+2 (x²-1)/x+1 (x²-4) इसके न्यूमरेटर में आपके पास x²-1 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है, दैट विल बी x+1 (x-1) और x²-4 की भी फैक्टराइजेशन करनी है, दैट विल बी x+2 (x-2) उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स चेक करें, x+1 will be cut, x+2 will be cut, द आंसर विल बी x-1 / x-2। नेक्स्ट आपके पास पार्ट है नंबर 6, दैट इज x²-4x+4/2x²-8। इसका न्यूमरेटर में आपने फार्मूला कंप्लीट करना है x-2² का, डिनोमिनेटर में आपने फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद द कॉमन फैक्टर इज x-2, दैट विल बी कट एंड आंसर इज x-2/2 × x+8। क्वेश्चन नंबर 7 इसी पैटर्न पे है, और क्वेश्चन नंबर 8 का भी सेम पैटर्न है, वो आपने खुद सॉल्व करना है होमवर्क में। ओके, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर फोर, इवेल्यूएट x³y - 2z/xz। इसमें आपने एक्स वाई जेड को उनकी वैल्यू से रिप्लेस करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू -1 है, जेड की वैल्यू -2 है। इसको आप पुट करें और द आंसर इज 23/6। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट और बी पार्ट आपने खुद अटेम्प्ट करना है, सेम पैटर्न के नोट्स में गिवन है, ट्राई इट। ओके, अल्लाह हाफिज़।